ऊपर आप देख सकते हैं इसकी जो पौध है वो बिल्कुल धनिया जैसे है, लेकिन ये है बल गाजर, निकाल के देखना। जल्दी जल्दी तो पापा बहुत दूर तक चले जाता। पर चलो ऐसे में दिखाना इसको। तो ऐसे फ्रंट में आप देख सकते हैं जो मेहंदी है वो कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखो। यहाँ लगा रहे थे सिंक तो पानी का कनेक्शन वहाँ था, तो यहाँ अटक रहा था इंसान तो गलत हो जाता। अब पानी का कनेक्शन यहाँ ले आएंगे। तो ऐसे में देखो यहाँ से कुछ ऐसे सामने तक। एक हाथ में उठा रहा हूँ ये। अरे आप तो बाहुबली हैं, आप तो 50 किलो भी हाथ में उठा सकते हैं। एक हाथ में देखो। और जो पत्थर हैं वो हैं इंसान से बड़े, और भाई साहब ने पूरा उठा के एक खुशी बॉडीगार्ड और एक ये है बॉडीगार्ड। मैं बॉडीगार्ड नहीं, अंगरक्षक। इनको बचा के रखना है, रात को बाग भूख ना ले जाएं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, एक बार फिर अपनी नई मकान के पीछे से हमारे गांव का जो सबसे पुराना घर है वहां से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में एक बार फिर हमने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की, तो उस तोड़फोड़ को ढकने के लिए यहाँ देखो भाई साहब मसाला भर रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, इतना ही मसाला शायद लग जाएगा। तो कहाँ पर हमने तोड़फोड़ की वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखो माँ अभी पहुँच गई है, और माँ बोल रही इतना मसाला कम पड़ जाएगा। वाल माँ इंजीनियर जो ठहरी है, माँ आज माँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है माँ। इतना सुस्त क्यों हो रही है आज? सुस्त कहाँ है यार, सुस्त तो कुछ नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रही है तो मेरे ऊपर। ध्यान तो काम पे है ना, नीचे नाक में भी सीमेंट लगा दिया, पता नाक से बना रही थी मसाला आज। तो मसाले की शुरुआत जो होगी वो माँ के हाथ से होगी भाई। चलो माँ चली, अब मेरी बारी। तो आज का जो काम था वो आप देख सकते हैं, यहाँ के लिए मसाला बना रहे थे। पहले सिंक के लिए जो जगह थी वो यहाँ से यहाँ के लिए थी, लेकिन यहाँ पर अटपटा जैसा हो रहा था, अब यहाँ सीधा सीधा आ गया है। तो यहाँ पर अब सिंक लगने वाला है, और सिंक के लिए थोड़ा जगह भी वहाँ कम पड़ रही थी, तोड़ना वैसे भी पड़ रहा था, इसलिए हमने इधर के लिए ये तोड़ दिया है। और अब यहाँ पर आसानी से बढ़िया सिंक आ जाएगा, और पानी का जो कनेक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। नहीं तो यहाँ लगा रहे थे सिंक तो पानी का कनेक्शन वहाँ था, तो यहाँ अटक रहा था इंसान तो गलत हो जाता। अब पानी का कनेक्शन यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। और आज के हमारे मिस्त्री बापू जी, हो गए ठीक, हो गए मसाला बच गया। हाँ। आपने किया और गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं कभी कभी। और चेहरे पे आपने भी सीमेंट लगा रखा है, कोई बात नहीं, सीमेंट काम कर रहा हूँ। हैं तो मैंने कहा दो बेलचा हो डालो, वो ही जा रही है दो बेलचा, एक गारा का रे रेत करने डाल। अच्छा वो तुमने डलाया होगा, तुम इंजीनियर हो ऐसे मसाला बचाने वाले। चलो अब बाहर। और हमारा जो सिंक है वो देखो इतना बड़ा है, तो छोटा हो रहा था तो फिर दिक्कत हो जाती। ये बड़ा सिंक ठीक है ना, एक छोटा आता है इतना इतना, वो ज़्यादा ही छोटा हो रहा था। और काफ़ी मजबूत वाला सिंक लेके आए हैं, अच्छी कंपनी का। तो मैं आपको कल भी कद्दू दिखा रहा था, और कई दिनों से कद्दू ही दिखा रहा हूँ, तो कद्दू हैं ही कुछ ऐसे। ये तो मैंने आपको दिखा दिए थे, बाकी उस साइड माँ अभी जा रही है। तो यहाँ पर एक कद्दू लटका हुआ था, वो नीचे गिरा, और वो देखो उसको दो चार चोटें आई हैं, तो माँ ने वो वहाँ पर सीधा करके रख दिया है, नहीं तो लुटक के वहाँ नीचे चले गया था। बाकी माँ अभी वहीं अंदर चले गई है, वहाँ भी कुछ कद्दू हैं बल। तो अब लगला निकालना है, तो कद्दू भी निकालने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कहीं गोल कद्दू हैं, तो कहीं ये देखो लंबे वाले कद्दू भी एक ही लगले पे हो रखे हैं, ये देखो। बाकी यहाँ देखो कूरे कारे बहुत हो रखे हैं, ये लग जाते हैं कपड़ों पर तो निकलते ही नहीं है, ये देखो हाथी पे चिपक रहे हैं सीधे। बाकी कहाँ है वो वाला कद्दू? हाँ बोली वहाँ अंदर एक कद्दू है बल, जो कभी भी गिर सकता है नीचे। कम से कम 3 से 4 कद्दू वहाँ पर भी हैं, बड़े बड़े निकालने हैं। वहाँ एक नींबू भी हो रखा है ना बड़ा बड़ा पका हुआ। तो ये देखो ये बेल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
और यहाँ से फिर ऊपर के लिए, और हर जगह कद्दू ही कद्दू है इस पर, कोई छोटे मोटे, कोई लंबे लंबे, कोई गोल गोल, और कोई नए ताजे ताजे। तो हमारी कद्दू की जो बेल है वो छोड़ के हम आए हैं ताऊ जी के खेत में। ताऊ के ये हमें वो आम बोल रहे हैं, धनिया है ये। ताऊ भी ऐसे ही बोल लेते, धनिया जैसा कुछ दिखेगा बल, तो वो है बल गाजर। तो ताऊ जी ने यहाँ पर गाजर लगा रखे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं इसकी जो पौध है वो बिल्कुल धनिया जैसे है, लेकिन ये है बल गाजर। निकाल के देखना था, लेकिन ताऊ जी अब कहाँ है उसमें, डांट ना लगा दे हमको। मुझे देखने का शौक है कि गाजर कैसे हो रहे हैं पहाड़ों में। ये मूली है, मूली तो काफ़ी बड़ी हो रखी है, लेकिन गाजर का तो पता नहीं है कितनी होगी क्या होगी। ये देखो है भाई, है ये देख, दिख नहीं रही है, हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। निकाल के देखें, रहन दो यार, ताऊ जी बोलेंगे। तो तुझे देखने के लिए बोला था तो उन्हें वहाँ से निकाली दी है। तो चलो, यहाँ गाजर भी हो रहे हैं तो गाजर की खेती भी करेंगे, ठीक है वहाँ सब चीज़ की खेती करेंगे थोड़ा बहुत। अरे भाई यहाँ अंदर मेरा पैर चले गया था। यहाँ भी मुँह चू होने, देखो कितना बड़ा बिल बना रखा है। इसको बोला था मैंने उसे। क्या ऊपर से निकाला जी आज को दिया जो ये देखो, यहाँ नीचे ताजे ताजे और कद्दू भी हो रहे हैं। एक ही है बल, ये देखो अंदर दिख भी नहीं रहा सही से। मतलब कद्दूओं की ऐसी भरमार हो रही है ना। ये देखो बोला ये पीले भी, यहाँ देखो खेत से निकाल, ये देखो पीले यहीं है पर कितने, एक दो तीन, मतलब कम से कम कितने कद्दू होंगे हमारे अब की बार, क्या लगता है 50 तक होंगे? 50 तक होंगे या 20 तो मैंने यहीं पे गिन लिए, यहीं पे तो है, बाकी ऊपर वाले छत में नहीं है। एक, दो, तो चलो 20 कद्दू भी अगर पीले हमारे बच जाते हैं सही सलामत, तो रेटू खाने में और लंबे टाइम तक सर्दियों में हम उनकी सब्जी बना सकते हैं और गर्मियों तक भी उनको रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती है, सर्दियों की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सब्जियां नहीं होती हमारे यहाँ। हाँ तो बस मैंने बोल दिया ना 20 से 30 तक यहाँ इसी बेल पे हमारे कद्दू हैं। और बापू जी भी यहाँ मैदान में पहुँच गए हैं। और ये देखो जो कद्दू माँ निकालने की बात कर रही थी वो माँ निकाल रही है, वो भी पेड़ पे चढ़ के निकालना पड़ रहा है, इतना भारी है ये कद्दू और उससे पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा। चलो जी निकल गया। ये देखो भाई इधर दिखा ना, ये देखो कितना वेट होगा इसका, इसका होगा 10 किलो। 10 किलो माँ 20 बोली पीछे से। कहाँ होगा यार, एक हाथ में उठा रहा हूँ ये। अरे आप तो बाहुबली हैं, आप तो 50 किलो भी हाथ में उठा सकते हैं। एक हाथ में देखो। चलो बढ़िया है, एकदम बढ़िया कद्दू। तो अभी हम खाना खाने के लिए घर आए, फटाफट खाना खाया, और उसके बाद मौसम थोड़ा आजकल ठंडा है ही, तो छत पे आ गए हैं सब धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर माँ है, उधर भाई साहब हैं, और बापू जी को बैठना पसंद नहीं है तो ऐसे ही छत में लेट गए हैं। तो तीनों लोग तीन प्रकार से यहाँ पर धूप सेकने का आनंद ले रहे हैं, और माँ कुछ बोलना चाह रही है। मैं तो बैठी भी हूँ, पता भी काम कर रही हूँ, इसमें कोई गा रहा है कोई ये, ऐसे करके जो भी है सब कुछ बताया बल, तुमने मरचा नहीं बताया बल, तो मरचा पिछले साल थे ने, अब की बार बहुत ज्यादा हो गया नी, ये पुराना बूझा था मैंने थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कुछ मरचा सुखाने के लिए डाला हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखाऊं। तो ये माँ परसों भंगजीरा काट रही थी खेत से, तो ये भंगजीरा है, और साथ साथ में यहाँ गेहूं कल जो साफ कर रही थी माँ, तो गेहूं भी डाल रखे हैं। इधर मिर्च है, हवा की वजह से ये पूरा ढक गया वाल। और बापू जी आनंद ले रहे हैं लेट के, हैं बापू जी? अरे रैक डाल गया है, मैं इतना बड़ा पकान लग गया यार। चलो बढ़िया है। मैंने जाने डाला सुबह तो चले जाता पार तक, क्या का मार रखे थे भाई, इतने दूर क्यों जा रहे हैं बरने। इसीलिए तो तुम्हारा, इसीलिए तो तुम इंजीनियर हो और हम सब लेबर हैं। पहले नापो तब देखो, नाप को तो वहीं पार है थे।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दौरा कर दे तो जल्दी हो जाता। और पापा को गुस्सा रहा है कि मैंने काम किया और बोलने वाले मैंने करवाया। अरे तुम क्या कराया? बोला मैंने कराया पर जल्दी जल्दी तो पापा बहुत दूर तक चले जाता। अच्छा फिर वो नीचे नहीं कहाँ भाग रहे थे पापा दूर तक चले जाते? रैक तोड़ के क्या चलो ठीक है जी, ठीक है आपने करवाया, धन्यवाद आपका। और भाई साहब की स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं बड़ी शानदार हो रखी है, कुछ खेत में लगा दी, लग गई उधर फूल आ गए, देखा ही नहीं। चलो वहाँ भी दिखा लेंगे, दिखाना नहीं है वो नहीं दिखाना है, यहाँ दिखाऊँ तो माँ बोल रही थी मैं जिस दिन बाजार जाऊंगी वाले उस दिन इसको ठीक करवाऊंगी। गई नहीं बाजार? मेरी कुदा हाल है वो मैंने हो रहा। क्या लगता है तेरे को वापस देंगे? नहीं देंगे वो, बना के देंगे ना, टांका मारेंगे वो। 60 रुपए और लेंगे, 60 रुपए की दत लिया, 60 रुपए और लेंगे। 100 रुपए के दे रहे हो इसको, उसको रहने दे वहाँ पे, मेरा वो है कुदाल है वो। कुदाल कहाँ गए? तो कुदाल ला ना घर से। वो ठीक है ऐसे ऐसे वो करने के लिए बढ़िया है। उधर स्ट्रॉबेरी लग गई है, चमक रहे हैं यार भाई साहब। वैसे कुदाल का काम भी दतली कर रहे हैं, टूट के खराब क्या हुआ? काम नहीं चमकते रहे हम तो चमकते रहे क्यों? अब मुंह तो धोता नहीं है, तू कहाँ चमक गया? दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी एक बार फिर पहुंच चुका हूं मैं अपनी नई मकान पे, और यहां पर स्पेशल काम के लिए आए हुए थे कमेंट भी आ रहे थे, और फिर हमने भी सोचा कि चलो नए मकान पे भी कुछ ऐसी जो लड़ियां हैं वो लगा देते हैं लाइट की, जिससे कि हमारा ये वाला घर भी जगमगा जाए। लेकिन जैसे जैसे हम लड़ी लेके यहाँ पर आए वो पहले ही खराब हो गई। किसकी नज़र लगी है? 2 साल पहले की है। 2 साल नहीं, 1 साल पहले की है। पिछले साल सही चल रही थी, इस साल जल ही नहीं रही है। हाँ मतलब घर पे चेक भी कर लिया था, घर पे जल रही थी लेकिन यहाँ पे आते आते खराब हो गई। गणेश की नजर लग गई है गणेश बाकी मार्केट में अगर जाऊंगा तो वहां से दिया और बाकी चीजें भी लेके आऊंगा, लेकिन मार्केट जाना हो ही नहीं रहा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने जब छत डाली तो उसी टाइम छत में पाइप की सेटिंग की जाती है, पाइप डाले जाते हैं। तो जी हाँ, हमने भी वैसे ही किया था, पाइप बिल्कुल ऊपर छत पे हमने डाले हुए हैं और साथ साथ में नीचे भी प्लास्टर से पहले हमने पाइप डाल दिए थे, लेकिन वो काम मतलब सफल नहीं रहा। कुछ जगहों पर दोबारा से हमको पाइप डालने पड़े, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत जगह हमको 2-3 जगह करना पड़ा ये चीज़ें। बाकी अभी हमने देखो चेक करवा लिया, अगर बाद की बात होती ना जब पेंट वाले आ जाते उस टाइम तोड़ फोड़ होती तो फिर दोनों काम हमारे ख़राब हो जाते, इसीलिए प्लास्टर अभी हुआ। उसके बाद हमने फिर भी चेक करवाया, तार जा रहे हैं कहीं से, कुछ दिक्कत आ रही है, वो अभी हल हो जाए। तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो लगभग हल हो गई हैं, जहाँ पे दिक्कतें थी वहाँ पे हमने नए पाइप काट के डाल दिए हैं। बाकी जो हमारे भेजी हैं लाइट वाले, वो आज भी उन्होंने कुछ काम किया था, कल भी उन्होंने कुछ काम किया, बाकी कल भी वो कुछ काम करने के लिए आ जाएंगे। तो आधा दिन वो काम कर रहे हैं, बाकी उसके बाद घर चले जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको लाइट के काम का, तो अब वो सही से कर लेंगे। तो देखो कब तक लाइट का जो काम है वो होगा। अभी तो बस हम तार डाल रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तार भी इसीलिए डाल रहे हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि दूसरे के काम में जब कोई नया आदमी काम करता है तो वो चेक जरूर करता है, तो उसी के लिए तार डाल रहे हैं। नहीं तो तार साथ साथ में भी डाल सकते थे जब बोर्ड लगने थे। दोस्तों जो लड़ी मैं बोल रहा था ना खराब हो गई है, भाई साहब मुझे ताने मारे थे कि तूने खराब कर दी, ये देखो ये मैंने ठीक कर दी है। हाँ और भाई साहब की जल गई यार पर ढीला हो रहा है वो थोड़ा बाकी अभी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगी, रात को था यार थोड़ा चमकेगी। वैसे छोटी वाली है, इसके लिए तो बड़ी वाली चाहिए जो कि मतलब वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ पाए, और फिर ऐसे ही नीचे भी लानी पड़ेगी। बाकी ये देखो हो गया, बहुत ढीली हो रही है, बटन ही ढीला हो गया चल रही है, जल रही है। तूने वो रेगुलेटर खराब कर दिया? वो तो मैंने उखाड़ दिया, इसीलिए तो ठीक हुई वो
ये देखो ये मैंने निकाल दिया, यहीं पे दिक्कत आ रही थी, ये खराब हो गया था रात को देखेंगे यार अभी नहीं तो मिस्त्री लोग तो आज काम पे हैं नहीं, तो यहाँ पर हम ही खुद एक बार फिर मिस्त्री बन रहे हैं। तो यहाँ पीछे का जो काम है वो थोड़ा बचा हुआ है। तो ये देखो जो बड़े बड़े पत्थर हमने रास्ते पे साइड किए थे ना, तो ये पत्थर अब यहाँ पर लगने वाले हैं। और यहाँ पर माँ हैं, भाई साहब हैं, इधर बापूजी, और जो पत्थर हैं वो हैं इंसान से बड़े। और भाई साहब ने पूरा उठा के अपने हाथ पर रखा हुआ था। तो भाई साहब हैं ही बाहुबली, इंसान से बड़ा पत्थर। हाँ ठीक है। और आज से कुछ साल पहले माँ ये पत्थर लेके आई है अपनी पीठ में, वो सामने पहाड़ियों से। मार कम रहे हैं, आवाज ज्यादा आ रही है थोड़ी कम होगी ज्यादा। और सांप देख रहे हैं। हाँ जी, हो रहा काम सही तो हमको ये सारे जो पत्थर हैं वो ऐसे में लगाने हैं और फिर यहाँ भरान करना है इसके लेवल पे, क्योंकि जो पानी है वो यहाँ अंदर ना जाए उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और हमारा जो काम था अभी पत्थर लगाने का, तो वो पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में काम करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, हाथ पैर पे लग गई तो ऊपर से नुकसान हो जाएगा। इतनी भी कोई ज़्यादा जल्दी हमको है नहीं, तो अभी फ्री थे तो हमने सोचा फ्री बैठ के क्या करना है, कुछ काम कर लेते हैं, इसीलिए उन पत्थरों को लगा दिया। बाकी आगे का जो काम है वो कल करेंगे। और अभी छत पे आया था मैं, जो लड़ी हमने लगा रखी थी लाइट की उसको देखने के लिए, लेकिन किस्मत ऐसी है कि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा वैसे ही लाइट गायब। तो अभी लाइट आ गई है और जो लड़ी है वो देखो एक साइड की ऐसी है और दूसरी साइड का मैंने वो तोड़ दिया था, तो ये झप झप नहीं करेगी, ये ऐसी रहेगी। बाकी कल मार्केट जाना हुआ तो बड़ी वाली लाएंगे, ऊपर से नीचे सब जगह लगा देंगे। बस लाइट आ गई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। ये मैंने बिल्कुल डार्क कर रखा है, थोड़ा मैं ऐसे में करूँ तो ऐसे में देखो यहाँ से कुछ ऐसे सामने तक। तो ये आप देख सकते हैं डॉली के हाथ पे मैंने आज मेहंदी लगाई दी है और जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा बनाया है। थोड़ा ऐसे में आपको तिरछा लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने बीच में यहाँ बनाया था मैंने, तो वो मिट गया तो दोनों उंगलियों के बीच में फिर ये डिज़ाइन बनाना पड़ा। लेकिन जो भी है एकदम मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। और आप लोग कमेंट में मेरी तारीफ कर रहे थे बहुत, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉली कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बढ़िया। हाँ। खुशी कैसी लगी? अच्छी। खुशी के हाथ में भी लगानी है? कल लगानी। कल? हाँ आज लेट हो गई नहीं ज़्यादा। और यहाँ देखो दो महान शख्स हमारे गाँव के यहाँ भी हैं ये देखो पैरों पे लगा रही है तो ये इसके हाथ पे लगाएंगे कल या परसों, ठीक है जी। तेरे हाथ की रही है अभी, ये देखो भाई इसी की तारीफ कर रहे थे आप, बड़ी प्यारी है, कलर प्यारा आया है, नॉट मेहंदी प्यारी है। खुश हो रहे क्यों? पति वाल बहुत अच्छा मिलेगा मेहंदी रंग ला रही है वाले। सासू भी बोलते हैं डॉली, बोले सास भी अच्छी मिलती है वाले। पर चलो ऐसे में दिखाना इसको। तो ऐसे फ्रंट में आप देख सकते हैं जो मेहंदी है वो कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखो। चलो फिर बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। बाय। और अब तो इन्होंने रोटी भी नहीं बनाई है, कब बनाओगे? खुशी को भूख लग गई है? खुशी 9 बजे नहीं लगी भूख?
कुछ नहीं बोल रही है। आज कौन बनाएगा रोटी? समय की गति है। हाँ। इसने तो मेहंदी लगा दिया, बहाना तो मिल गया। आज ये बनाएगी और ये बनाएगी। तो अनुष्का इनके यहाँ क्यों है आज? आज भले मैं इनकी अंग रक्षक हूँ। तो डॉली और तनु अकेली है तो इनको डर लगता है अवल, तो इसीलिए दो बॉडीगार्ड, एक खुशी बॉडीगार्ड और एक ये है बॉडीगार्ड। मैं बॉडीगार्ड नहीं, अंग रक्षक। इनको बचा के रखना है, कहीं रात को भाग भूख ना ले जाएं। चलो ठीक है फिर, बहुत हो गई बातें, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। मुंड लगी इनका जो ये दरवाजा है बहुत छोटा है यार, इसको बड़ा करो। हेलो बोटी, क्या हो गया, कहाँ भटक रहा है? चल, रात को बोटू बाहर घूमता रहता है। चल 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 चल, चलो 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 चलो। और अभी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो स्क्रीन पे माँ है, लेकिन बाकी भाई साहब और बापूजी सब ने रोटी खा लिया। रोटी क्या खाया, दिन का भोजा, सारे दाल सारे भात था, और रोटी भी सुबह की। मैं ऊपर चले गए था लड़कियों का मैच आ रहा था वहाँ, और तब तक विनोद आ गया, खा लिया बोल तुमने, मैं बनाई नहीं खाया बल, हम उसे वैसे खाते है दाल भात, तब नहीं बनाई। आज बासी खाने में काम चला दिया, दाल भी देखा अभी भोजा है। मैं सोचा तुम खाते है कि नहीं खाते है दाल भात, तेरे पापा ने बोला थोड़ा मैं खाऊंगा, थोड़ा मैं भी खा लूंगा। तो रोटी भी तब बनाते जब वो घर आए गया, तब मैं ऊपर गए तो तब तक आ गए दिनों। चलो बात ही खाते आजकल जल्दी खा रहे हो तब है, तो बनाए नहीं तो जल्दी क्या कर रहा था, दूर तो चाहिए बस। ठीक है ठीक है, तो बाकी बासी खाना बचा हुआ है, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे लिए दूध गर्म करने के लिए यहाँ चूल्हे में ही रखा हुआ है कोयलों में। खाओ, हम तो जाने लगे तो कब से जाग रहे हैं, आओ आओ, तो आए नहीं रहे। टाइम तो लगता है मेहंदी लगाने में। फिर मैंने कहा कि हम चले जाते ऊपर, पर ये दूध बिल्ली पहले आएगा तो वो खा लेगा, तब तक रुक जाइए। चलो आज की वीडियो यही तक रखते है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बाय बाय टाटा, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम।